हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बच्चों को सबसे टफ लगने वाला टॉपिक कोरोजन। देखिए, आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपके सारे डाउट इस चैप्टर से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले बताइए बच्चों, कोरोजन से आप क्या समझते हैं? मैं बताती हूँ, आप में से मैक्सिमम बच्चों से अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज कोरोजन, तो आपका एक ही आंसर होगा जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना कोरोजन है। बिल्कुल नहीं। देखिए, लोहे पे जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन अ काइंड ऑफ कोरोजन है। कोरोजन का एक प्रकार, एक टाइप में वो आता है। कोरोजन क्या है फिर? कोरोजन का मतलब ये होता है बच्चों, मेटल का अपनी मेटेलिक फॉर्म में प्रेजेंट ना होके, मतलब मेटल, मुझे आयरन मेटल चाहिए, आयरन मेटल का अपनी मेटेलिक फॉर्म में प्रेजेंट ना होके किसी भी कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होना। हो सकता है वो आयरन ऑक्साइड बना ले, हो सकता है वो आयरन सल्फाइड बना ले, हो सकता है वो आयरन क्लोराइड बना ले, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे आयरन मेटल चाहिए। तो मेटल का अपनी मेटेलिक फॉर्म में प्रेजेंट ना होके कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होना, यही मेटल का कोरोजन है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का और प्लेटिनम का कोरोजन नहीं होता। ये दोनों मेटल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर, मेटेलिक फॉर्म के अंदर ही रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, बाकी जितने भी मेटल हमारे पास में होते हैं उनका कोरोजन हो जाता है। इवन सिल्वर का भी कोरोजन हो जाता है। सिल्वर का कोरोजन आप सबने देखा होगा, आप लोगों ने सबने सिल्वर को काला होता हुआ देखा है। काली हो रही है, इसका मतलब सिल्वर ने कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से रिएक्शन की है। तो ये क्या हो गया? सिल्वर का कोरोजन। कॉपर की बॉटल सबके घरों में होती होगी, कॉपर की बॉटल कुछ दिनों बाद काले रंग की, उस पर ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है। क्या है वो? कॉपर का कोरोजन होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि मेटल क्यों अपनी मेटेलिक फॉर्म में प्रेजेंट ना होके और कंपाउंड फॉर्म में जाना चाहता है। ये सारा रीजन है स्टेबिलिटी का। मेटल जब अपनी कंपाउंड फॉर्म में होता है तो बहुत स्टेबल होता है और वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। आपको पता है, अगर आपको आपके घर से किसी और के घर में शिफ्ट कर दिया जाए तो आप कितने अनस्टेबल हो जाएंगे। आप ये चाहेंगे कि कैसे भी करके आपको आपके घर पहुंचा दिया जाए। या घर छोड़िए, अगर आपको आपके घर में एक रूम दे रखा है और उस रूम से भी उठा के आपको किसी और रूम में शिफ्ट कर दिया जाए और बोला जाए कि आज रात को यहाँ सोना है, तो आप अनस्टेबल फील करेंगे। तो यही अनस्टेबिलिटी होती है मेटल के अंदर, और वो इसीलिए मेटल अपनी कंपाउंड फॉर्म में जाता है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मेटल अपनी मेटेलिक फॉर्म के अंदर अनस्टेबल रहता है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। ये आपके पास में है सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास में दो, ये 8 और ये 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है। आपको पता है कि हर मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। यहाँ पे ये जो सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को देकर अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Na+ आयन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो ये आपके पास में सोडियम, मैं दो सोडियम यहाँ पे ले लेती हूँ और इसने Na+ के अंदर ये चेंज हो गए और साथ में दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ठीक है, अब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन ये मेरे पास में सिंपल ऑक्सीजन का हम ले लेते हैं एक एटम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, 2 एंड 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल तैयार है पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, कौन? ऑक्सीजन। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो क्या हो सकती है? 1/2 O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीजन? O-2 के अंदर। ठीक है, O2, ये हमारे पास में हो गई ऑक्सीजन की। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें तो 2Na सोडियम प्लस 1/2 O2, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए और क्या बन गया? Na2O। इस तरीके से यही रीजन है कि मेटल हमेशा कंपाउंड फॉर्म के अंदर रहना चाहता है, क्योंकि जब वो कंपाउंड फॉर्म के अंदर होता है तो वो स्टेबल होता है। तो इस तरीके से मेटल जो है आपके पास में, ये मेटल अपनी कौन सी फॉर्म के अंदर रहना चाहता है? मेटल कंपाउंड। मेटल क्या बनाता है? मेटल कंपाउंड बनाता है, और इसे ही कहा जाता है कोरोजन। और जब मेटल कंपाउंड बनता है तो ये इसकी स्टेबल फॉर्म होती है और यहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी। आपको अच्छी तरह से पता है एनर्जी जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और मेटल कंपाउंड को वापस से हम मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेटल कंपाउंड से हम मेटल को सेपरेट करते हैं, मेटल लाते हैं, मेटल बनाते हैं, तो ये मेटल वापस से कैसा हो जाता है? अनस्टेबल।
तो यही रीजन है कि मेटल जो है उसमें कोरोजन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। यही कारण है रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3.XH2O, ये आपकी क्या हो जाती है, रस्ट। इसके अलावा कॉपर की बॉटल पे जो ग्रीनिश कलर की लेयर होती है, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो ये सब हमारे पास में मेटल के अंदर जो कोरोजन होता है, मेटल में कोरोजन का मतलब है कि मेटल का अपनी मेटलिक फॉर्म में प्रेजेंट ना होके कंपाउंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होना, आप इसे नोट कर लीजिए। अब अगर मैं बात करूं कि आपके सिलेबस में कितने टाइप के कोरोजन है, तो तीन तरह के कोरोजन आपके सिलेबस में है। हम वन बाय वन तीनों टाइप के कोरोजन थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे जो फर्स्ट थ्योरी आपके सिलेबस में है, दैट इज एसिड और कार्बोनेट थ्योरी। सबसे पहले है एसिड और कार्बोनेट थ्योरी ऑफ कोरोजन। सेकेंड है हमारे पास में ड्राई कोरोजन, ठीक है, और थर्ड हम पढ़ेंगे वेट कोरोजन। वेट कोरोजन और इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन टू वन बिल्कुल सिंपल तरीके से, और आपको साथ के साथ याद करना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सबसे फर्स्ट है एसिड। कौन सी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, एसिड और कार्बोनेट, एसिड और कार्बोनेट थ्योरी। देखिए कितनी सिंपल है, आपको पता है एनवायरनमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, कार्बोनेट, नाम से पता चल रहा है कार्बोनिक एसिड बनेगा। कैसे, एनवायरनमेंट में H2O प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, CO2 आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा, H2CO3, जिसे आप कौन सा एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, एसिड थ्योरी और कार्बोनेट थ्योरी ऑफ कोरोजन, ठीक है। अब अगर इस कार्बोनिक एसिड को कहीं से भी आयरन मिल जाए, देखिए आयरन और ये H2CO3 रिएक्शन होगी और क्या बन गया, FeCO3, यानी कि आयरन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इस FeCO3 को अगर फर्दर आगे और हम बात करें, FeCO3 इसे आगे फर्दर क्या मिल जाए, H2O मिल जाए, ठीक है, साथ में क्या मिल जाए, ऑक्सीजन, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, FeOH3+H2CO3, ठीक है। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, ये 4 ये 10 हमारे पास में हो गया, ठीक है, और 4 FeOH3 और 4 ही क्या मिल जाएगा, H2CO3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आयरन जो हमें किस फॉर्म में चाहिए था, अपनी आयरन मेटेलिक फॉर्म के अंदर, वो अपनी मेटोलिक फॉर्म में प्रेजेंट ना होकर आयरन कार्बोनेट का फॉर्म कर रहा है, साथ में अटैक कौन कर रहा है, H2CO3, इसीलिए इसे नाम दिया गया है एसिड थ्योरी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थ्योरी जो आपके सिलेबस में, दैट इज एसिड और कार्बोनेट थ्योरी। एसिड और कार्बोनेट थ्योरी, आयरन की रिएक्शन किसके साथ होना, कार्बोनिक एसिड के साथ होना, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट कोरोजन है अब हमारे पास में ड्राई कोरोजन, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले होगा कोरोजन बाय ऑक्सीजन गैस, इसके बाद सेकंड हमारे पास में हो जाएगा कोरोजन बाय अदर गैसेस। मतलब अब हमारे पास में ऑक्सीजन के अलावा और गैसेस, क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, सल्फर हो गई, उसके साथ अगर मेटल की रिएक्शन होती है, और इसके बाद इसी में ड्राई कोरोजन में थर्ड हो जाएगा एनहाइड्रस लिक्विड, कोरोजन विद एनहाइड्रस लिक्विड। एनहाइड्रस लिक्विड का मतलब है, क्योंकि ये ड्राई कोरोजन है इसका मतलब वाटर का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एनहाइड्रस लिक्विड का मतलब है कुछ मेटल जो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो ही मेटल के साथ रिएक्शन करके उसको कोरोइड कर देते हैं। तो ड्राई कोरोजन 3 कैटेगरी में डिवाइड है, कोरोजन बाय ऑक्सीजन गैस, कोरोजन बाय अदर गैसेस, ऑक्सीजन को छोड़ के, एंड एनहाइड्रस लिक्विड। सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोजन बाय ऑक्सीजन गैस, ठीक है। क्यों मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी। मेटल को स्टेबल होना है 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में करके, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपस में दोनों कंबाइन होते हैं और मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है। ये मेटल ऑक्साइड की लेयर कितनी तरह की बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर है
मेटल ऑक्साइड की लेयर, ये चार तरह की लेयर यहाँ पे बन सकती है। सबसे पहली लेयर हमारे पास में बनती है स्टेबल लेयर। मेटल ऑक्साइड की लेयर अगर स्टेबल लेयर होगी, ठीक है, क्या होगा देखिए, ये आपके पास में मेटल है, ओके, इसके चारों तरफ मेटल ऑक्साइड की लेयर का फॉर्म हो गया, और ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बनी, अगर ये स्टेबल लेयर है तो ये आगे फर्दर मेटल का कोरोजन नहीं होने देगी। मान लीजिए अंदर मेटल है और ऑक्सीजन अगर अंदर आना चाह रही है पेनिट्रेट करके, तो ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगी, यानी मेटल ऑक्साइड की लेयर उसने खुद ने अपने उस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट मेटल का क्या किया है, प्रोटेक्शन किया है, क्योंकि वो स्टेबल लेयर है। स्टेबल लेयर है तो ऑक्सीजन उस लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। यानी अगर मेटल ऑक्साइड की लेयर स्टेबल लेयर है तो वो कैसी लेयर बनाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। कैसी लेयर बनाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, और इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका एग्जांपल है प्रोटेक्टिव स्टेबल लेयर का। तो सबसे पहली लेयर होती है स्टेबल लेयर। अगर मेटल ऑक्साइड की लेयर स्टेबल है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है, और ऑक्सीजन उस मेटल ऑक्साइड की लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर एंटर नहीं कर पाती। दूसरी लेयर आपके पास में होती है अनस्टेबल लेयर, अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड की लेयर। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास में मेटल है और इसके चारों तरफ मेटल ऑक्साइड की लेयर बन गई, और अगर ये मेटल ऑक्साइड की लेयर अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये यहाँ से जब आप इसको वॉश करेंगे हट जाएगी, ठीक है, फिर वापस इस आउटर सरफेस पे मेटल ऑक्साइड का क्या बन जाएगी, लेयर। यानी कि यहाँ पे भी आपके मेटल का क्या हो गया, प्रोटेक्शन, यानी आपका मेटल यहाँ पे पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो अनस्टेबल लेयर भी कैसी लेयर होती है, मेटल ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसका एग्जांपल हो गया सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। गोल्ड की अगर हम बात करें तो जब गोल्ड के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है तो इसका कोरोजन होता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो ये सारी की सारी कैसी लेयर बनाती है, मेटल ऑक्साइड की अनस्टेबल लेयर। आपने क्या कभी सिल्वर को पूरी तरह से खत्म होते हुए देखा है, सिल्वर हजारों साल पुराना सिल्वर आपको नीचे अर्थ में से अगर मिल जाता है तो वो सिर्फ कोरोइड है, लेकिन आप उसको साफ करेंगे वापस आपको सिल्वर मेटल प्योर फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। इसका मतलब कैसी लेयर है, अनस्टेबल, और कैसी लेयर बना रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी मेटल ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो होती है हमारे पास में पोरस लेयर। पोरस लेयर के अंदर क्या होता है, देखिए अगर ये मेटल ऑक्साइड की मेटल की चारों तरफ जो मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी उसमें पोर्स प्रेजेंट है, अगर उसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे तो ऑक्सीजन जो है उसको आराम से बैठने के लिए टाइम मिलेगा, आराम से ऑक्सीजन आएगी, प्रॉपर रिएक्शन करेगी, और तब तक रिएक्शन करती रहेगी जब तक पूरा का पूरा मेटल क्या ना हो जाए, आपका ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन आराम से यहाँ ठहर रही है, ठीक है। इसका मतलब पोरस जो लेयर है वो कैसी लेयर है, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर। कैसी लेयर बनाती है, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर, और इसका एग्जांपल आप लोगों को सभी को पता है सोडियम पोटेशियम। सोडियम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, इन्वायरमेंट में एटमोसफियर में आते ही एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि सोडियम पोटेशियम कैसी लेयर बना रहे हैं, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि कैसी लेयर बनती है मेटल ऑक्साइड की, पोरस लेयर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेयर होती है आपके पास में वॉलेटाइल। कौन सी लेयर बनती है, वॉलेटाइल लेयर। अगर मेटल ऑक्साइड की लेयर वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब आपके पास में ये मेटल था, इसके चारों तरफ बनने वाली मेटल ऑक्साइड की लेयर है, ये मेटल ऑक्साइड की लेयर वॉलेटाइल थी, ये लेयर यहाँ से उड़ गई, वॉलेटाइल हो गई, तो नेक्स्ट फ्रेश सरफेस मेटल की जो है वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगी, फिर मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, फिर ये वॉलेटाइल हो जाएगी। तो ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा मेटल खत्म ना हो जाए। यानी वॉलेटाइल मेटल ऑक्साइड की लेयर भी कैसी होती है, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होती है। नॉन प्रोटेक्टिव लेयर ये होती है, और इसका एग्जाम्पल है मॉलिब्लेटम इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैसी मेटल ऑक्साइड की लेयर बनाएगा उस पर डिपेंड करता है कि वो मेटल पूरी तरीके से ख़त्म होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास में स्टेबल लेयर बनती है तो वो प्रोटेक्टिव है, अगर अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर बनती है तो वो भी प्रोटेक्टिव की तरह वर्क करती है, अगर पोरस और वॉलेटाइल बनती है तो दोनों ही नॉन प्रोटेक्टिव है, मतलब पूरा का पूरा मेटल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में पीलिंग बेडफोर्थ रूल।
कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीलिंग बैडवर्थ रूल, तो ये रूल क्या है मैं आज आपको बहुत आसान शब्दों में ये बताने वाली हूँ। बैडवर्थ रूल बताता है कि मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बनेगी वो प्रोटेक्टिव बनेगी या नॉन प्रोटेक्टिव बनेगी। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड मैं बात कर रही हूँ, मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बन रही है वो लेयर प्रोटेक्टिव होगी या कैसी होगी, नॉन प्रोटेक्टिव होगी, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल। देखिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मेटल ऑक्साइड लेयर का वॉल्यूम ज़्यादा है मेटल के वॉल्यूम से, मान लीजिए ये आपके पास में मेटल है और इसके चारों तरफ फॉर्मेशन हो गया मेटल ऑक्साइड की लेयर का, तो ऑफकोर्स ही बात है कि अगर मेटल ऑक्साइड लेयर का वॉल्यूम ज़्यादा है मेटल के कंपेयर में, यानी चारों तरफ से मेटल ऑक्साइड की लेयर ने मेटल को कवर कर रखा है, तो ऑक्सीजन क्या नहीं कर पाएगी, मेटल ऑक्साइड की लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, यानी आपके पास में प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो इट विल वर्क एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। समझ आया, यानी अगर मैं बात करूँ इसका वॉल्यूम ज़्यादा है मेटल के वॉल्यूम से, यानी अगर हम बात करें कि वो जो रेशियो है वो ग्रेटर देन वन आ रहा है, ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है ग्रेटर देन वन, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम मेटल का वॉल्यूम कम है, ग्रेटर देन वन है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करेगी। ठीक है, यही पीलिंग बैडवर्थ रूल है। अब आप पूछेंगे कि अगर इसका वॉल्यूम कम है, ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम यानी मेटल ऑक्साइड की लेयर का वॉल्यूम कम है, ये मेटल है इसको कवर करने वाली मेटल ऑक्साइड की जो लेयर है उसका वॉल्यूम कम है, तो ऑक्सीजन क्या कर सकती है, मेटल पे कहीं से भी अटैक कर सकती है। यानी अगर ये वॉल्यूम एक से कम है या मेटल ऑक्साइड लेयर का वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू मेटल के वॉल्यूम के, तो क्या होगी, यही लेयर ये नॉन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करेगी। यही पीलिंग बैडवर्थ रूल है, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। तो पीलिंग बैडवर्थ रूल कहता है कि मेटल ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्टिव है या नॉन प्रोटेक्टिव, ये बताएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल। अगर वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो इट विल वर्क एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इसे नोट कर दीजिए। तो हमने एसिड कोरोजन पढ़ लिया, हमने ड्राई कोरोजन में सबसे पहले हमने पढ़ा अटैक बाय ऑक्सीजन, सेकंड मैंने कौन सा बताया था, सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेस। तो अब हमारे पास में हो जाएगा कोरोजन बाय अदर गैसेस, ये हम कौन सा कोरोजन पढ़ रहे हैं, ड्राई कोरोजन। एग्जाम्पल अगर हम ए जी सिल्वर की रिएक्शन किससे करा दें, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाए, क्या बन जाएगा, ए जी सी एल, तो ये क्या हो गया आपके पास में, कोरोजन है ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेस के साथ अगर मेटल रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन की रिएक्शन किसके साथ में हो जाए, सल्फर के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, FeS आयरन सल्फाइड का। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर जो लास्ट बचा है वो है हमारे पास में कोरोजन बाय लिक्विड मेटल, कोरोजन बाय लिक्विड मेटल, या मैं कह सकती हूँ कोरोजन बाय एनहाइड्रस मेटल। फॉर एग्जांपल आपके पास में मरकरी है, जिंक मरकरी क्या होता है आपके पास में, लिक्विड मेटल, इस मरकरी की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करा दें, जिंक ना, जिंक प्लस Hg क्या बन जाएगा, ZnHg। तो यानी जिंक मेटल अपनी मेटलिक फॉर्म में नहीं है, हमने उसको क्या कर दिया, रिएक्शन करा दी मरकरी के साथ, ये भी क्या है आपके पास में कोरोजन, लेकिन क्योंकि यहाँ वाटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसलिए इसे ड्राई कोरोजन में ही रखा जाता है। ठीक है, तो टोटल हमने अभी तक दो तरह के कोरोजन पढ़ लिए, एक है एसिड कोरोजन जिसमें कार्बोनिक थ्योरी भी होती है अप्लाई, और दूसरा है हमारे पास में ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन में पहला अटैक बाय ऑक्सीजन, चार तरह की मेटल ऑक्साइड लेयर बनी थी, उसके बाद में था हमारे पास में कोरोजन बाय अदर गैसेस, ऑक्सीजन को छोड़ के आपने देख ही लिया, और उसके बाद कोरोजन बाय लिक्विड मेटल, फॉर एग्जाम्पल मरकरी लिक्विड मेटल है, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ हुई, जिंक एच के बन जाता है। ठीक है, अलॉय जितने भी बनते हैं हमारे पास में, अलॉय जो है वो इसके अंदर आते हैं लिक्विड मेटल कोरोजन के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन। ठीक है।